ये अपलोड देखें, अपलोड में सिंपल क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या, फाइल। और यहाँ पे इसका मैंने नाम क्या रखा है, फाइल टू अपलोड, और इसका आईडी, ये आईडी या नेम ये आगे यूज होते हैं जो हमारे, हम जहाँ से रिक्वेस्ट गेट करते हैं ना उसमें आईडी या आपका नेम, बल्कि अभी नेम ही अभी तक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, आईडी तो अब इसने यूज़ किया है, इसमें नेम हम यूज़ करते हैं, जो गेट ऑब्जेक्ट है या पोस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वहाँ से डाटा इनपुट लेने के लिए। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक होगा, जैसे ही सबमिट पे क्लिक होगा, कंट्रोल किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, अपलोड अपलोड डॉट पी एच पी पे, और हमारा मेथड कौन सा है, रिक्वेस्ट पोस्ट, यानी कि डेटा सारा हिडन फॉर्म में जाएगा, डेटा सारा क्या जाएगा, हिडन फॉर्म में जाएगा। अपलोड डॉट पी एच पी में जाते हैं, अब देखेंगे इसमें पहला जो पहली लाइन है वो सिंपली एक वेरिएबल है, वो क्या क्या है, वेरिएबल टारगेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी, ये वेरिएबल का नाम रखा है हमने, और इसको एक कांस्टेंट वैल्यू साइन की है अपलोड, यानी हमारा अपलोड का फोल्डर होगा, जो हमारी वेबसाइट है ना उस रूट फोल्डर के अंदर एक अपलोड का फोल्डर होगा, हमने उसको एक्सेस करना, उसमें डेटा, उसमें फाइल ट्रांसफ़र करनी। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने पूरा पाथ नहीं दिया है, सी कॉलन स्लैश फ्लां फ्लां फ्लां, रीज़न रीज़न हमेशा हमने, मैंने बताया कि वेब पे हमेशा हमने रिलेटिव पाथ यूज़ करना है, एब्सोल्यूट पाथ कभी भी यूज़ नहीं करना, एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट जिस सर्वर पे जा रही है वो लिनक्स बेस्ड है, यूनिक्स बेस्ड है, ठीक है, अगर आप रिलेटिव पाथ देंगे तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सर्वर का डायरेक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, आपको टेंशन नहीं होती। आगे हम क्या करें, टारगेट डायरेक्टरी, ये बेस नेम उठा रहे हैं, ये फंक्शन है, और जिस तरह हमारे पास डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट एक ऑब्जेक्ट है इनपुट रिसीव करने के लिए, डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट एक ऑब्जेक्ट है इनपुट रिसीव करने के लिए फ्रॉम फ्रॉम अनदर वेब पेज, यानी कि एक और वेब पेज से हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही होती है। अब इसी तरह डॉलर साइन अंडरस्कोर फाइल, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये रिसीव करता है जो हम फाइल बेस्ड आपकी इनपुट आ रही होती है, पूरी फाइल आ रही होती है। अब ये देखिए फाइल टू अपलोड, ये वही नाम है जो उधर हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल और नेम क्या दिया है, फाइल टू अपलोड, जो उधर हमने एक इसको कहेंगे कंट्रोल यूज किया है फाइल अपलोड के लिए, ठीक है, समझ आ गई इस चीज की। बेस नेम क्या करेगा, उसका नाम जो भी नाम है उस जो हमने फाइल सिलेक्ट की है, जो फाइल सिलेक्ट की है उसका सिर्फ नाम, लाइक हमने फाइल सिलेक्ट की है abc.jpg, उसका पूरा पाथ भी होगा, लेकिन ये बेस नेम क्या है, उसका पाथ नहीं बल्कि उसका जस्ट क्या नेम एक्सट्रैक्ट करेगा, नेम हमें देगा, और उसको हम कंकैटिनेट करेंगे किसके साथ, अपलोड के साथ, ठीक है, लाइक तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल जो हम फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम है abc.jpg, तो टारगेट अंडरस्कोर फाइल वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, बताया नहीं कौन, अपलोड स्लैश abc.jpg, जो फाइल का नेम भी तो कर रहे हैं ना अपलोड्स को, जी सर,
मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमने जो फाइल सेलेक्ट की है उसका क्या नाम है abc.jpg, तो टारगेट ये जो दूसरा वेरिएबल लिया है डॉलर साइन टारगेट अंडरस्कोर फाइल, इसमें क्या स्टोर होगा? अपलोड स्लैश abc.jpg। अपलोड ओके, ये कोई फ्लैग वेरिएबल लिया है जिसमें हमने इनिशियली क्या रखवा दिया बंद, ठीक है, इनिशियली यानी उसमें ट्रू रखवा दी वैल्यू, और आगे हमारे पास है इमेज फाइल टाइप, ये भी वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है। अब हम पाथ इन्फो डॉलर साइन टारगेट अंडरस्कोर फाइल, ये हम फाइल वेरिएबल दे दिया है जिसमें हमारा टारगेट फाइल का जो पाथ है वो पड़ा है, ठीक है, और ये कांस्टेंट है पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन। अच्छा, अब जो पाथ इन्फो है ये ऑब्जेक्ट क्या करता है इसको स्टडी कर लेते हैं। पाथ इन्फो रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट पाथ आइदर एन एसोसिएटिव अरे आर स्ट्रिंग डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन, यानी कि पाथ की इंफॉर्मेशन ये रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास दो पैरामीटर हैं, एक पाथ है और दूसरा पैरामीटर जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, उन कॉन्स्टेंट में क्या है पाथ इन्फो अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, पाथ इन्फो अंडरस्कोर बेस नेम, पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन, पाथ अंडरस्कोर फाइल नेम, ठीक है। अब यानी कि यहाँ से हम बेसिकली जो कांस्टेंट देंगे उसके मुताबिक वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। लाइक हमने वहाँ पे क्या दिया पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन, इसका मतलब वो जो फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन रिटर्न करेगा, उसकी क्या रिटर्न करेगा, एक्सटेंशन रिटर्न करेगा। अच्छा, इसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर इमेज फाइल कि इसमें आ गया रहे, यहां पे मैंने डॉट कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया, br का टैग लगाया, ठीक है, और इसको ठीक है। ये तो एक फ्लैग वेरिएबल ही है, इसको जब यूज करेंगे ना आगे फिर देखेंगे क्यों इसकी जरूरत महसूस आई। इको अभी देखें, सिर्फ मैंने ये चार लाइनों के कोड लिखे हैं, बाकी सारे को कमेंट कर दिए, मैं क्या इसको समझें पहले फिर आगे जाऊँ। सलाम अलैकुम जी, मैं इधर साइंस ब्लॉक में क्लास है मेरी, खैरियत, मैं बताएँ कि क्लास है, हाँ उन्हें कहेंगे मैं 11:30 बजे तकरीबन उनके पास चक्कर लगा दूँ। Thank
उन्हें बता दें साइंस ब्लॉक में। तो सेव कर लेते हैं, सर्वर चला लेते हैं जी। हमारा सर्वर है एग्जाम्प, ये अपलोड फॉर्म आ गया है। यहाँ से अपने फाइल चूज करनी है, इमेज फाइल कोई देख लेते हैं, डेस्कटॉप पे पड़ी होगी। ठीक है, महमूद डॉट जेपीजी फाइल पड़ी हुई है, ओपन की है इसको। इसका नाम महमूद है, एक्सटेंशन जेपीजी है, अपलोड इमेज करते हैं। आप देखेंगे जो टारगेट फाइल है वो उसका पाथ ये है, अपलोड स्लैश महमूद डॉट जेपीजी, और जो दूसरी लाइन थी वो जस्ट क्या रिटर्न कर रही है, एक्सटेंशन। पाथ इन्फो जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रही है, एक्सटेंशन। सर इस पर हम कैसे लिमिट लगा सकते हैं कि जो इमेज फाइल है वो 2 MB की हो या 5 MB, वो आगे जाके आएगा। अभी तो ये देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपने पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन दिया है। इसके अलावा चार कॉन्स्टेंट और हमने देखे, हम फाइल का नाम देख सकते हैं, हम डायरेक्टरी का नाम देख सकते हैं। यहाँ पे देखें ना, डिलीट करेंगे ना, कॉमा डालेंगे तो जो ये कॉमा डाला, तो जैसे ही आपने कॉमा डाला तो वो जो ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, डायरेक्टरी नेम, बेस नेम, एक्सटेंशन, फाइल नेम, आप इनमें से चारों में से जो देंगे उसके मुताबिक आपको वो रिजल्ट रिटर्न करेगा, यानी पाथ में से वो वाली इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा, पूरे पाथ में से, या डायरेक्टरी रिटर्न करेगा, या फाइल का नाम रिटर्न करेगा, या बेस नेम रिटर्न करेगा, या फिर एक्सटेंशन रिटर्न करेगा। अभी हमें क्या चाहिए थी, एक्सटेंशन। और ये क्या कॉन्स्टेंट है, ठीक। अच्छा जी, अब पहला चेक हमने लगाया, चेक इफ इमेज फाइल इज एक्चुअल इमेज और फेक इमेज, के ये इमेज भी है या बस कोई और फाइल है। ठीक है, तो हम ये जो इज सेट का फंक्शन है ना, ये तो इस चीज को चेक करता है कि उस जो फील्ड है, अगर फॉर एग्जाम्पल दो 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 चीजें हैं, एक आपका वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे होती है और एक आपकी वैलिडेशन सर्वर साइड पे होती है। क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन थी कि आपने फॉर्म अपलोड जो है आपने फाइल सेलेक्ट की नहीं है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिए, तो वहीं पे सर्वर पे रिक्वेस्ट जानी नहीं चाहिए, वहीं पे रोक दे, बता दे कि आपने फाइल सेलेक्ट नहीं की। अच्छा, अगर वहां पे हमने नहीं चेक लगाया तो दूसरा चेक हम सर्वर साइड पे लगा सकते हैं कि क्या ये फील्ड सेलेक्टेड भी थी कि नहीं। इस सेट का फंक्शन ये बताता है कि इस जो जो आपका ये डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट, इस कंट्रोल की वैल्यू जो है वो फीड भी थी कि नहीं, यानी कि सबमिट पे क्लिक की है तो उधर से सारा का सारा डाटा प्रॉपरली आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर तो ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करवाते हैं तो फिर हम
क्या करें, गेट इमेज साइज, हम क्या करें इमेज का साइज चेक कर रहे हैं। ठीक है, और डॉलर साइन अंडरस्कोर फाइल टू अपलोड और टेम्प नेम, जो हमारा बेसिकली डेटा उधर से ट्रांसफर होता है, उस ट्रांसफर होके आ रहा होता है, एक तो ये उसका नाम हो गया, और जो टेम्परेरी फाइल आपकी बनती है उस उसको हम उसका साइज चेक कर रहे हैं। ठीक है, गेट इमेज साइज ये फंक्शन चेक करते हैं, ये क्या रिटर्न करवाता है आपका। The get image size function will determine the size of any supported given image file and return the dimension along with the file type and height width text string to be used inside normal HTML image tag and the correspondent HTTP content type. यानी कि MIME दूसरी information भी दे रहा होता है कि ये file की type क्या है, file का size क्या है। ठीक है, नोट दैट जेपीसी एंड जेपी टू आर कैपेबल ऑफ हैविंग कंपोनेंट विद डिफरेंट बिट डेप्थ, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ बिट्स इज द हाइएस्ट बिट डेप्थ इनकाउंटर्ड। तो अभी पहले हम चेक करते हैं कि इसमें हमारी वैल्यू क्या आई है, जो इमेज साइज हमने गेट की है। फिर ये इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ रही है, अब जारी बात है यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वैल्यू आ रही है कि जस्ट उसकी एक वैल्यू उठा रहे माइम, और भी वैल्यूज होंगे इसके अंदर। ये पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज इसमें आ रही है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। सेव कर दिए फाइल को, इधर चेंजिंग करके वापस गए। अब दोबारा अपलोड इमेज करता हूँ, बेसिकली एरे है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन सी, बेसिकली उस एरे को हमने पहले उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। ठीक है, इसके लिए हमने एक फंक्शन पढ़ा था डीबग के लिए, एरे को डीबग करने के लिए, याद हो कुछ। देखें एपीआई है एरे टू स्ट्रिंग इम्प्लोड, ये फंक्शन भी बहुत ज्यादा यूज होता है जी। ठीक हो गया जी, इसको चेक करते हैं। अब ये देखें कि वो जो गेट इमेज साइज है ना, आपको क्या वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, वो आपको उसकी विड्थ और हाइट, ठीक है,
उसके बाद विड्थ भी दे रहा है, हाइट भी दे रहा है, और माइम कि ये इमेज है स्लैश जेपीजी है, इमेज है और स्लैश जेपीजी, फाइल इज एन इमेज, इमेज और जेपी जेपैक उसकी एक्सटेंशन। नहीं नहीं, ये टू और थ्री भी तो दे रहे हैं ना इधर, ये वो तो नहीं है कि दो एमबी की है, नहीं ये केबीस भी है। अब ये देखना पड़ेगा, देखें ना यहाँ पे टू दे रहा है, एट दे रहा है, थ्री दे रहा है, ये कोई क्या क्या वैल्यूज इसमें दे रहा है। अब ये पूरी डिटेल दे रहा है, देखिए जीरो और वन पे विड्थ और हाइट पड़ी होगी, टू पे क्या पड़ी होगी, इमेज कॉन्स्टेंट इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ ऑफ द इमेज, इंडेक्स सी क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, माइम इज द करेक्ट कॉरस्पॉन्डेंट माइम टाइप, अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, वैल्यू लिया और उसको चेक करें, ये वाला ऑपरेटर क्या होता है, डेटा टाइप तो चेक करेगा, कंडीशन तो करेगा ही वैल्यूज को, और डेटा टाइप को भी चेक करेगा कि सेम है कि नहीं है, वो ट्रिपल या दो इक्वल आ गए। ये रिलेशनल में है, ये रिलेशनल में ना आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा है ना जावा में पढ़ा है इसको, ये सिर्फ ये आपको पीएचपी प्रोवाइड करते हैं, ये वैल्यू के साथ साथ उसकी टाइप भी चेक कर रहा होता है, वैल्यू के साथ साथ उसकी टाइप भी सेम होनी चाहिए। देखे ना ये भी तो हो सकता है कि दो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी वैल्यू सेम है लेकिन टाइप डिफरेंट हो गई तो फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। चेक नॉट इक्वल टू फॉल्स, फाइल इज एन इमेज माई एल्स, अपलोड ओके है, अदरवाइज अगर यानी कि कोई और टाइप है इमेज के अलावा कोई और टाइप है तो अपलोड ओके, जो फ्लैग वेरिएबल लिया था उसमें क्या रखवा दिया, जीरो, ठीक है, कि अगर यानी कि हमारी जो कोई प्रॉपर इमेज नहीं है, कोई फाइल जो अभी अपलोड करा है वो कोई इमेज नहीं है बल्कि कोई अदर देन इमेज है तो क्या करे, फ्लैग वेरिएबल जो लिया उसमें क्या रखवा दे, जीरो, अपलोड ओके में क्या रखवा दिया, जीरो। अगला चेक लगाया हमने कि फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो मैसेज दे देगा कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट का फंक्शन चेक कर रहे हैं कि फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो क्या मैसेज दे दे, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और यहाँ पे आगे हमने क्या, ये वो जहाँ पे आप साइज को लिमिट कर सकते, बाइट्स हैं ये 5000 बाइट्स, 5000 बाइट्स हैं, इसको आप डिवाइड करें 1024 पे तो ये किलो ये बन जाएंगे 5 MB के करीब है, 5 MB तक फाइल अपलोड हो सकती है, ये 500000 बाइट का मतलब 5 MB तक फाइल अपलोड हो सकती है। हाँ जी सलाम, अच्छा ठीक है, ठीक है। देखें जब भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हम एक फ्लैग वेरिएबल लिया हुआ है उसमें जीरो रखवाई जा रही है, मल्टीपल चेक के फ्लैग वेरिएबल में जीरो रखवाई जा रही है, दैट मीन कि अगर फ्लैग वेरिएबल में जीरो होगा तो हम फाइल अपलोड ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगला चेक है जी कि असी ये चेक करना है कि ये मल्टीपल एक्सटेंशन दी हुई, जो हमने इमेज फाइल टाइप ली थी ना वो जेपीजी है या पीएनजी है, जेपैक, गिफ, के
ओनली फोर फॉर्मेट सपोर्टेड, जेपीजी, पीएनजी, अच्छा एक एक चीज आपसे क्वेश्चन है, एंड का ऑपरेटर तो यूज करते हैं हम कि ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी और गिफ, ये चार एक्सटेंशन है। मैं गिफ देता हूँ, गिफ फाइल गिफ देता हूँ, तो गिफ नॉट इक्वल टू गिफ, ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। बाकी ट्रू होंगी, तो एक भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स हो गए हैं, सही हो गए। इनमें से कोई एक भी आ जाएगी नहीं तो इस, ये तो अलाउ करना चाहिए उसको। जी सर, गिफ्ट गिफ्ट दे दिए मैंने, एंड लगाओ, एंड लगना, आर लगना चाहिए यहाँ पे, आर लगना चाहिए था बेसिकली, होना क्या चाहिए था, आर, ठीक है ना, आर ऑपरेटर होना चाहिए था। ये नहीं कि डब्ल्यू सी स्कूल में कोडिंग हो रही है तो इसका मतलब वो 100% ओके होगी। ऊपर कंडीशन सही लगी है कि गलत है? चेक करनी है, सही हो गया, सही लगाई। अब हम लाइक हम देखते हैं ना, हम देखते हैं कि लाइक हमने MP3 दे दी, तो MP3 में ये चारों बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ठीक हो गया जी, ठीक कंडीशन ठीक लगी हुई है। सर अगर हम मतलब नॉट को चेंज करके फिर हो सकता है और आ जाए, ये भी होना नहीं ठीक है, ये कंडीशन ठीक लगी। अब एंड पे हमने देखा है कि अगर तो अपलोड ओके जीरो है, फ्लैग वैल्यू जीरो है, तो हम फाइल नहीं अपलोड करेंगे, सॉरी योर फाइल वाज नॉट अपलोडेड। अदरवाइज क्या है, जस्ट एक फंक्शन है मूव अपलोड अंडरस्कोर फाइल, फाइल ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ एक फंक्शन है, बाकी सारे क्या है, वैलिडेशन के लिए लगाए, बाकी सारा कोड क्या है, वैलिडेशन के, और फाइल ट्रांसफर करने का सिर्फ एक फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल, उसका पासवर्ड। ये आपने जो टेम्परेरी फाइल आपकी उधर से मतलब ट्रांसफर होकर, ये टेम्प नेम उसका बनता, टेम्परेरी नेम बनता है उसमें पड़ा होता है, वो टारगेट फाइल पर रखवा दिए। अब बेसिकली कोड ट्रांसफर करना करने वाला कोड सिर्फ ये है, जितनी बार मर्जी करिए वो बार बार करिए, वो देखो सर वो और है, दोबारा करते हैं इसको, देखें अब दोबारा करता हूँ, वो कहते हैं फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी योर फाइल वाज नॉट अपलोडेड, सही हो। फंक्शन तो सिर्फ एक ही है फाइल मूव करने का, बाकी सारे किस लिए लगाए, वैलिडेशन, कोई इशू इसके ऊपर। तो अब ये फाइल अपलोड का कोड आपने देख लिया कितना की टफ है, अब मसला ये है कि इसको आपने डेटाबेस में भी यूज करना है। डेटाबेस में दो तरीके हैं, आप पूरी पूरी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं,
डेटाबेस के कॉलम में रख सकते हैं, बी लॉब सी लॉब टाइप बना, सी लॉब या बी लॉब टाइप्स हैं, या आप क्या करेंगे कि इमेज तो ट्रांसफर करेंगे किसी पाथ पे, वो पाथ डेटाबेस में रखेंगे। दो तरीकों से मैनिपुलेशन हम करते हैं, पूरी पूरी इमेज भी रख देते हैं, समटाइम हम इमेज नहीं रख, इमेज नहीं रखते, इमेज हम सिस्टम पे किसी पाथ पर्टिकुलर पाथ पे रखते हैं और वो पाथ डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं और उन पाथ को यूज़ करते हैं मैनिपुलेशन के लिए, इमेज को मैनिपुलेट करने के लिए उन पाथ को यूज़ करते हैं। सर ये काम सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होती है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं।